क्या आप मेरी सहायता कक्षा के लिए प्लांट प्रोजेक्ट पूरा करने में करेंगे? मुझे इन पत्तियों को आकार अनुसार लगाना है। समस्या ये है कि ये सभी भिन्न दिखती हैं। मैं देख रही हूँ कि किन्हीं भी दो पौधों की प्रजातियों की पत्तियां समान प्रकार की नहीं हैं। उदाहरण के लिए रेखाओं को देखें। पत्ती पर रेखाएं किसी भी दिशा में जा सकती हैं। मुझे यकीन है कि रेखाओं का एक विशिष्ट नाम होगा। मेरी सहायता करने के लिए आपको सर्वप्रथम पत्ती के भागों को जानना होगा। आइए अब पत्तियों के बारे में जानें। जब हम अपने आसपास के पौधों को देखते हैं तो पाते हैं कि उनकी पत्तियां विभिन्न आकार और आकृति की होती हैं। पौधों की किन्हीं भी दो प्रजातियों में समान प्रकार की पत्तियां नहीं होती। पत्ती को करीब से देखने पर पता चलता है कि इसमें एक चौड़ा हरा भाग होता है जिसे पलक कहा जाता है। पलक आमतौर पर पत्ती का सबसे बड़ा और सबसे विशिष्ट भाग होता है। यह तने से पर्णवृंत द्वारा जुड़ा होता है। पलक पर कई पतली पतली रेखाएं होती हैं। वास्तव में ये रेखाएं क्या हैं? इसे अच्छे से समझने के लिए आइए हम एक गुड़हल की पत्ती लें और इसे सफेद कागज के नीचे रखें। इसे ठीक से पिन करें। पेंसिल की नोक को तिरछा पकड़कर कागज के उस हिस्से पर रगड़ें जिसके नीचे पत्ती है। आपको क्या दिखा? हमें कागज पर पत्ती का प्रतिरूप मिलता है जिस पर कुछ रेखाएं होती हैं। क्या ये पत्ती की रेखाओं के समान हैं? हाँ, वे बहुत समान हैं। ये रेखाएं पत्ती की शिराएं होती हैं। पत्ती के केंद्र में स्थित एकल मोटी शिरा को मुख्य शिरा या मध्य शिरा कहते हैं। सभी शिराएं मिलकर एक सुंदर पैटर्न बनाती हुई प्रतीत होती हैं। एक पत्ती पर शिराओं द्वारा बने इस पैटर्न को पत्ती का शिरा विन्यास कहते हैं। शिरा विन्यास शब्द उन पैटर्नों को संदर्भित करता है जिसमें पत्ती पलक पर शिराएं वितरित होती हैं। चूंकि यहाँ पैटर्न मध्य शिरा के दोनों ओर जाल की तरह होता है, इसीलिए विन्यास को जालिका रूपी कहते हैं। आइए हम आगे कुछ घास की जांच करें। यदि हम घास की एक पत्ती लें तो पाते हैं कि फलक पतली और लंबी होती है। हम यह भी देखते हैं कि शिराएं एक दूसरे के समानांतर होती है। वे आधार से पत्ती के शीर्ष तक जाती है। इस प्रकार के शिरा विन्यास को समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। सारांश में, पत्तियां विभिन्न आकार और आकृति की होती हैं। पत्ती का एक चौड़ा हरा भाग होता है जो फलक कहलाता है। फलक आमतौर पर पत्ती का सबसे बड़ा और विशिष्ट भाग होता है। फलक पर्णवृंत के माध्यम से तने से जुड़ा हुआ होता है। फलक पर कई पतली रेखाएं दिखाई देती हैं। ये रेखाएं पत्ती की शिराएं होती हैं। पत्ती के केंद्र में एकल मोटी शिरा को मुख्य शिरा या मध्य शिरा कहा जाता है। एक पत्ती पर शिराओं द्वारा बनाए गए पैटर्न को पत्ती का शिरा विन्यास कहा जाता है। शिरा विन्यास दो प्रकार का होता है, जालिका रूपी और समानांतर शिरा विन्यास। पौधों की किसी भी दो प्रजातियों में एक प्रकार के शिरा पैटर्न नहीं होते। क्या इसका मतलब ये है कि विन्यास हर जगह होता है? निश्चित रूप से रेखाओं के इस जटिल पैटर्न के लिए कोई संगठन होना चाहिए। अधिक दिलचस्प वीडियो देखने के लिए बने रहिए। Keep imbibing. We believe in you.